जमात दिल्ली लाका हाजिर छी। सबसे पहिने नजर दे छी आजुक झलकी पर। खुदाई सा अस्त व्यस्त चाणक्य बाजार, बिहुती साड़ी लेल प्रसिद्ध चांदनी चौक, कोल्ड ड्रिंक पर भारी खुशियारक राव, आरपी सिंह सा गप सा। पचवरिया दिल्लीक चाणक्य प्लेस में पिछला 8-9 मास से जल बोर्डक काज चल रहल अछि। जाहि द्वारे जगह जगह बेजगह खदहा खुनल जा रहल अछि, जाहि सँ यातायात मे आ लोक सबके बहुत तरहक परेशानी उठाव पड़ रहल छनि। एहि पर खास समाद अनलनि हरिशंकर तिवारी। चाणक्य पैलेस बाजार पश्चिमी दिल्लीक एकटा नीक बाजारक रूप में जानल जाइत अछि। एहि बाजार में पिछला 7-8 महीना से 3-4 जगह जलबोर्ड दिल्ली दिस से खुदाई कयल गेल छै, मुदा काज किछु आगू नहि बढ़ि रहल छै। जगह जगह खुदाई भेला से एहिठाम कएकटा समस्या जन्म गेल अछि। रिक्शा नहीं मिलता, ऑटो नहीं मिलता, सामान जगह जगह से लेना पड़ता है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में लेना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जब से खुदाई हुई है तो बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने वालों को भी, मार्केट वालों को भी बहुत ज्यादा परेशान है सभी। और ये कहते हैं कि 6 महीने में या 4 महीने में कर देंगे, 8-9 महीने हो गए अभी तक तो ये रोड सही नहीं हुआ, मार्केट में कोई सुधार नहीं आया अभी। एहिठामक यातायात व्यवस्था बहुत खराब भऽ गेल छै। एहिठाम 20-22 साल से रहे वाला ए मैथिल के कहनाय छन, यहाँ पब्लिक के बहुत परेशानी भऽ रहल छै जाय अबै में, यात्री आबै जाय नहि छै, एहि चलते दुकानदार के भी दुकानदारी नहि चलै छै, सब परेशान छै। हम 2-3 महीना से देखै छियै यहाँ से खुदाई के काम भऽ रहल छै। माटिक ढेरी आई खुनल खदा आम लोकक लेल बड़का समस्याक रूप धारण केने अछि। एहिठाम कारोबारी सभक दशा सेहो बहुत खराब छै। सबसे ज्यादा दुकानदार को फर्क पड़ रहा है, काम नहीं है, आगे का रोड ना वो रोड ठीक है ना इधर वाला ठीक है, और ये रास्ता बंद है। एहिठाम जल बोर्डक बैरियरक ऊपर में विधायकक जे बोर्ड लागल अछि ओकरा ई काज जेना चिढ़ा रहल है। दिल्ली जल बोर्ड और सीवर के काम चाणक्य पैलेस के मार्केट में लगातार चल रहा है। जगह बेजगह खुदाई भेल छे, कामक गति बहुत धीमा छे, जे के चलता एठम का व्यापारी और आम लोग का बहुत कष्ट हो छे। कैमरामैन सुरेंद्र रक्षण, समाजक लेल हम हरिशंकर तिवारी, सौभाग्य मिथिला। सौंसे बाजार में इनार खोदल है मुदा पानी नहीं है। यातायातक संग एतुक्का व्यापारी सबके सेहो एहि खदहा सब लक बड बेसी परेशानी उठाव पड़ रहल छनि। सरकार के एहि दिस जल्दीए ध्यान देबाक चाही। समाज में आब बेर भ रहल एकटा विरामक लै छी, एकटा विराम, विरामक बाद फेर से नेने अबै छी समाज। बिहुती साड़ी लेल प्रसिद्ध चांदनी चौक, कोल्ड ड्रिंक पर भारी खुशियारक राव, आरपी सिंह सा गप सा। दिल्लीक चांदनी चौक एकटा चीज लेल नामी अछि। ई बाजार साड़ी सब ले विशेष प्रसिद्ध अछि। एहिठाम लोक सब शादी ब्याह के अवसर पर बिहौती साड़ी कीनय लेल जरूर अबै छथि। हमर समदिया गंगेश आई बाजारक समाद अनलन, देखू ई समाद। ई अछि चांदनी चौक,
देशक राजधानी दिल्लीक प्रसिद्ध बाजार। उना चांदनी चौक पूरा भारत में प्रसिद्ध है। चांदनी चौक प्रसिद्ध है अपन विविध वस्तु जातक लेल, चाहे खेवा पीवाक वस्तु हो या दैनिक उपयोग में आबा वाला वस्तु या पहिरवा ओढ़वाक वस्तु। एतुका एक एक चीज लोकक जुबान पर रचल बसल रही छन। चांदनी चौक सबसे बेसी प्रसिद्ध है अपन साड़ी बाजार के लक। लगनक समय में ए बाजारक शोभा बहुत बढ़ जाए छे आ अनायासे ए बाजारक नाम लोक के याद आबि जाए छन। एतुका साड़ी बाजार लोकक मोन के मोह लेत है। ब्राइडल कलेक्शनक ई सबसँ पैघ बाजार सेहो मानल जाइए। कनिया मनियाक लेल सूट हो या साड़ी, सैंडल हो या चूड़ी, सब चीज एहि बाजार में उपलब्ध अछि। एतुका दुकानदार एहि बाजार के ब्याहक खरीदारी के लेल सबसँ बेसी उपयुक्त मानै छथि। होलसेल और रिटेल में 15-20% का अंतर आ जाता है, ज्यादा कुछ यहाँ पर वो नहीं है। फिक्स रेट की दुकानदारी है, रीजनेबल शॉप है, रीजनेबल प्राइस। हमारे पास नेट के लहंगे होते हैं, जॉर्जेट के लहंगे होते हैं, शिमर के लहंगे होते हैं, सभी लहंगे का काम है मेन। सभी तरह के लहंगे, पार्टी वेयर स्टाइल, वेडिंग, ब्राइडल में वो सब लहंगे होते हैं। वैरायटी हमारे पास सिल्क की पूरी रेंज है, सिल्क है, सिंथेटिक है, कॉटन है, एम्ब्रॉयडर्ड आइटम है, सब तरह की वैरायटी है। मेरे पास साड़ी और लहंगों की दोनों की वैरायटी है, हल्की रेंज से लेके हैवी रेंज तक। ब्राइडल कलेक्शन, डिजाइनर साड़ीज, स्टार्टिंग प्राइस मेरे पास 500 से लेके मेरे पास 18,000 तक साड़ीज हैं, और लहंगा जो है मेरे पास वो 5,000 से स्टार्ट होकर 35,000 तक। हर वैरायटी मिलती है, जो डेली यूज की हैं, जो कैजुअल वेयर की हैं और जो वेडिंग वेयर की हैं। कॉटन में हम स्पेशलाइज करते हैं, 12 महीने हमारे पास कॉटन साड़ी की सेल होती है, और इंडिया के हर पार्ट से हमारे पास हैंडलूम के प्रोडक्ट साड़ीज आती हैं। लोकसभा के अनुसार ये बाजार में कम दाम में वैरायटी सामान खरीदल जा सके है। जो हम वैरायटी लेना चाहते हैं हमें बहुत सारी मिल जाती है, और जब एक साड़ी के हम अगर 50 भी लेना चाहें उसी पीस में तो वो भी यहाँ बहुत मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पूरी ऑल ओवर इंडिया जाता है यहाँ से माल, तो यहाँ रेट भी अच्छा मिलता है और बाहर से आता भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से ले जाएं और रिजनेबल प्राइस भी मिलें और हमारा काम भी अच्छा हो जाए। अगर शादी वादी करते हैं तो कपड़ा यहीं से खरीदते हैं, कपड़ा यहाँ पे वहाँ से काफ़ी सस्ता और अच्छा मिलता है। एक तो रिजनेबल प्राइस है यहाँ पे, और वैरायटी काफ़ी है, अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं। आई बाजार में खरीदारी करवाक लेल दूर दूर से लोग अबै छथि। एहिठाम एतेक रंगक वस्तु भेट जाय छन जे मनपसंद साड़ी, मनपसंद वस्तु ओ छाँटि सकै छथि आ कीन लै छथि। चांदनी चौक एकटा एहन बाजार अछि जे ग्राहकक लेल हर तरहक वस्तु उपलब्ध करबैत अछि आ अपन खूबसूरती सँ एतय एनिहार सब लोकक मोन मोहि लैत अछि। एतुका एक एक चीज लोकक जुबान पर रचल बसल अछि, मुदा एतुका एकटा चीज जे सबसँ प्रसिद्ध अछि ओ अछि साड़ी बाजार। चांदनी चौक राजधानी दिल्लीक प्रसिद्ध बाजार मानल जाइत अछि, खास कर कई बाजार साड़ी खरीदारीक लेल प्रसिद्ध मानल जाइत अछि। अगर अहूँक घर में कोनो विवाहदान अछि या उत्सव अछि तऽ खरीदारी करबाक लेल चांदनी चौक बाजार जरूर आबी। अहाँ लोकनि देखलहुँ साड़ीक लेल प्रसिद्ध चांदनी चौक बाजार। अहूँ सब शादी ब्याह लेल एहिठाम सँ बिहौती साड़ी अवश्य ली। कुसियार उत्तर भारतक एकटा महत्वपूर्ण फसल अछि। जै समय में बिहार में चीनी मिल सब चलत रहे ओहि समय में कुसियारक खेतियो खूब होइत छल, आ गाम गाम में कलहुआर पर लोक सब कुसियारक रस चिखैत छल। मुदा आइ हम अहाँ सबके रस कुसियार पिनिहार लोक पर एकटा समाद देखा रहल छी। देखै छी हरिशंकर तिवारीक ई समाद। पछवरिया दिल्ली की नांगलोई छी। एत कैक केतारीक जूस वाला दुकान अछि। एत केतारी के साफ क क जूस निकालल जाइत अछि।
एही जूस के बनौनिहारक कहनाई छन। पुदीना डालते हैं, अदरक डालते हैं, नींबू डालते हैं, बर्फ डालते हैं। आई गर्मी गुमारी में ठंडा के तारिक रस पीबो आयल ई बचिया के कहनाई छन। ये बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इससे ताजगी महसूस होती है। कोल्ड ड्रिंक के बजाय ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब गर्मी भी नहीं लगती है सेहत के लिए। वैसे तो अच्छा नहीं होता पर लेकिन कभी कभी पी लेते हैं, अच्छा लगता है। इनका डॉक्टर मना कहने छन तैयो ई के तारिक रस पीबो एतो आबि गेली। हिनका सबके पेप्सी कोक से नीक केतारी के जूस लगे छन। उना एमसीडी आ कमेटी वाला से हो एकरा परेशान करे छे। गन्ना के जूस पीला से हिनका ताजगी महसूस होई छन। गर्मी के मौसम छले तो हम सोच लिए गिलास जूस पी ले छिए, कनी जूस से की मजा छे तो फिर देखे छे अभी तो सही छे जूस। जे लोग एतो एक बेर आवे छे तो दोहरा का जरूर कुसियारक रस पीवेला फिर आवे छे। पिए में ई जे छे से ओते खराब नहीं लग रहल है, अहू सब पी सके छी, देख सके छी। मुदा सरकार एकरा किया खराब बता रहल छे, ऐसे किया नुकसान हेतै ई तो बादक विषय छी। एखन कैमरामैन सुरेंद्रक संग नागलोई थाना लग से हम समाजक लेल हरिशंकर तिवारी। कुसियारक रस मन आ प्राण दुनू के जुड़बैत अछि। बूढ़ पुरान लोक कुसियारक रस पीबाक बड़ रास फायदा बतबैत छथि। समाज में आप बेर भरल एकटा विरामक लै छी, एकटा विराम, विरामक बाद फेर से नेने आबै छी समाज। आरपी सिंह सा गप छप। हिंदी मीजर एकटा भोजपुरी फिल्म तैयार भेल है, दिया और तूफान। आई फिल्म में भोजपुरी नायक कुणाल छथि। हमर समदिया हरिशंकर तिवारी आई फिल्म के निर्माता आरपी सिंह से भेंट कलन। आओ देखू आ सुनू ई गपशप। दर्शक लोकन, अहा के मिथिला के माटि पानक बनल एकटा एहन व्यक्तित्व से भेंट कराबै छी जिनकर नाम छियनि रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ आरपी सिंह। दिया और तूफान के निर्माता से हम अहा सबके बात कराबै छी। सबसे पहिने हुनका से हम अहा के परिचय कराबै छी। आरपी सिंह जी, हिंदी भोजपुरी के कॉकटेल है फिल्म और विकलांगता के ऊपर आधारित पिक्चर बनेने छी हम सब। विकलांग आदमी के ऊपर बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहल छी समाज में, वही विषय वस्तु के उठा कर हम सब अहा के सामने ई फिल्म बना करके लेने छी। ई फिल्मी दुनिया में अपने जे कदम राखलिए ऐसे पहिने अपने के की काज रोजगार छल आ अपने कोना ए फिल्मी दुनिया में चले लिए? मिथिला हमर जन्मभूमि है, मधुबनी में हमर जन्म भेल है, कोइलक परसा गांव है। और बेसिकली हम सिविल इंजीनियर छी, एहिठाम कंस्ट्रक्शन कंपनी दिल्ली में है। कंस्ट्रक्शन के काम करित करित कोनो मित्र के द्वारा बुलेला पर हम ई फिल्म के मुहूर्त में गेल रही। ओहिठाम धीरे धीरे करित करित उ लोग सब निकल गेला, हमरा ऊपर एकर बोझ आबि गेल। पिक्चर आधा बनला के बाद बीच में स्थगित भ गेल छले, फेर ओकरा से नए सिरा से शुरू करके एक प्रयास कयल गेल छै कि जे विकलांगता है जेकर समाज में कोई महत्व नहीं है, और वहू से बड़ा चीज कि एक देशभक्ति के हिंदी में गीत हम सब एहि में देने छिए। तो एक जे अपन मिट्टी के खुशबू है ओकरा डालक के प्रयास कयल गेल छै। बाकी दर्शक दीर्घा बतेतन कि हम सब कतेक सफल छी। बिहार के और उत्तर प्रदेश के अलावा दुनिया के बहुत जगह भोजपुरी बाजल जाय छै, अष्टम सूची में मैथिली छै। तो अहाँ मैथिली विषय सोच के सबसे पहले भोजपुरी किया सोचलिए? देखियो, हमर अभी तो हम एक शुरुआत केने छी। ई बैनर के अभी वृक्षारोपण भेलैए, पेड़ जेना जेना बड़ा हेतै दायित्व बढ़तै तो फिर मैथिली में भी हम किछु करब, एकर आश्वासन अहाँके दऽ सकै छी। तऽ ई जे विकलांग के ऊपर आधारित अपने कथा के देखलिए ओहिमे की एहन खासियत देखलिए ओजका व्यावसायिक स्थिति के देखैत जे एहि फिल्म के बनेबा लेल अपने तैयार भऽ गेलिए? कथा कोनो फिल्म के अगर परसेंटेज के हिसाब से बात कयल जाय तऽ 60% होइ छै। मेन चीज कथा के ऊपर ही होइ छै।
आजकल के लोग व्यवसाय के खाली ध्यान में रख कर अश्लीलता डाल के अपना भाषा के अशुद्धिकरण करे के काम कर रही। ओकरा बचाव के लेल कोनो न कोनो तो प्रयास कहीं न कहीं से शुरू हेतु तो हम सब एक सब प्रयास शुरू कने छे। अपने के कथाकार वो अहीं जका मतलब फ्रेशर पहल पहल हुकर छिन कदम या कि और फिल्मों कोनो कथा बहुत उत्तम प्रश्न पूछने छी। कथाकार दुनू पैर से विकलांग छथि और उनकर कुछ आत्मकथा रहन ओकरे ठीक करके हम सब इस फिल्म के पटकथा बनेने छी। डॉक्टर साहिल रावत जे कि दुनू पैर से विकलांग भेला के बाद डॉक्टर बन के कितना मतलब अपन जे फिल्म के रियल स्टोरी है साथ मतलब एक घटना जो कि सही में ककरो साथ घटल छे ओकरा हम सब प्रस्तुत केने छी एक कॉमर्शियल वे में बना करके। तो ई सिनेमा देखला के बाद लोग के ई हेतै कि आम घर संसार में यह चीज होइ छे और ओकरा जीवांत करे के कोशिश कैल गेल छे। विकलांगता के मनोबल के केना बढ़ायल जाए एकर प्रयास छे। समाज में देश में दुनिया में बहुत जगह विकलांगता के ऊपर बहुत पाई खर्च भ रहल छे लेकिन ई वाला काज कोनो नहीं करे छथि कि केना मनोबल केहू के बढ़ते। कोनो भाषा के विकास अहाँ कहबी मैथिली के विकास सिर्फ मैथिली बाजि के भ जेते सिर्फ मैथिली में सिनेमा बना के भ जेते से नहीं भ सकैए। कई दुआरे कि अहाँ के जे समाज है वह बाजि के रह जात मैथिली। मैथिली के विकास तब हेते जब अहाँ हिंदी भाषी के मैथिली सीखेबे या भोजपुरी हिंदी भाषा के भोजपुरी सीखेबे। तब हमारे सिनेमा न मैथिली में न भोजपुरी में है। भोजपुरी टाइटल जरूर है गाना जरूर है हिंदी भाषा में मैक्सिमम 80% सिनेमा है और ओमे भोजपुरी डलने छे ताकि जे हिंदी के ऑडियंस है वो देखे और वो भोजपुरी के या मैथिली कोनो भाषा के समझे। जे मैथिली के मजा छे संगीत के जे मैथिली विद्यापति से लड़का वो जगह करे वाला लोग छी तो अपने के चयन हेतु वो तरह संगीत गीत के पक्ष में तो कौन तरह के भोजपुरी के गीत छे कौन कौन तरह गीत अपने शामिल के लिए। देखियो संगीत एमे अहाँ हमरा ब्लेम नहीं कर सकै छी एहि दुआरे कि हमर जब इंट्रोडक्शन भेल तो ई सब काज भ गेल रही संगीत वाला। लेकिन संगीत एमे जे भी संगीत है कर्णप्रिय संगीत है देशभक्ति के बहुत उम्दा पूरा कंप्लीट देशभक्ति के ऊपर एक गीत है जे कि आज तक हिंदियो पिक्चर में बहुत दिन से नहीं आबि रहल है। और एमे कुछ अगर विकलांग भी असहाय आदमी जे मैसेज में ने कि असहाय और विकलांग समझ के उसकी मदद नहीं कीजिए उसको सहानुभूति नहीं दिखाइए बल्कि उसको अपने साथ खड़ा कीजिए वो भी एक समाज का हिस्सा है। ई फिल्म के मेन संदेश है जो अंत में आबि रहल है। कतेक दिन लागल दिया और तूफान के बनाबे में अहाँ के 9 से 10 महीना तक लग गए। कते के बजट अहाँ के कते के बजट की फिल्म बनल है। बजट तो जे भोजपुरी पिक्चर आई काल्हि बन रहा है 1 करोड़ रुपया के आसपास टच करे छे। हमर सबके ज्यादा भ गेल वैसे कि एक्सपीरियंस नहीं रहे बहुत कुछ ऐसा चीज छे वो घर के गीला सिकवा बाहर लेला के कोनो जरूरी नहीं छे। फिल्म के जे छे से उद्घाटन कहिया होइले जा रहल छे। 18 जून के हम सब रिलीज करे के लेल तैयार छी और अई में हम सब चाहबे कि मुख्यमंत्री के भी सहयोग रहे बिहार से। और जे नयो लोग के बारे में अपने बताबियो लेकिन बाजार के जे स्थापित कलाकार छथि अपने फिल्म में हुनका बेसी कुणाल जी छथि प्रिया पांडे ठकुराइन के रोल में छथि जिनका अहाँ देखे थे भी सीरियल में काफ़ी आबि रहल छथि आजकल। मेहनाज जी विकलांग युवक के माँ के रूप में छथि। ई सब स्थापित 300 से ऊपर सिनेमा केने छथि और कुणाल जी के सिनेमा देखला के बाद स्टेटमेंट छ 300 फिल्म केला के बाद कि सिंह साहब ये पिक्चर अगर चलेगी तो सिनेमा हॉल से नहीं उतरेगी। हमर उम्मीद है जे ई फिल्म अहाँ सबके निक लागत। कैमरामैन जीतक संग समाधक लेल हम हरिशंकर तिवारी सौभाग्य मिथिला। सोझा सोझी गपशप में आए हमरा लोकनिक संग छला फिल्म दिया और तूफान के रिलीज के अवसर पर फिल्म के निर्माता आरपी सिंह। समाधक आजुक समय समाप्त भ रहल है। जाय से पहिने अहाँ के देखबे छी अपन पता जाहि सँ अहाँ लोकनि अपन समाज सहजता सँ हमरा पठा सकी। अहूँ बनि सकै छी अपन गाम नगर के समदिया। टूटल अछि पुल जर्जर अछि स्कूल घर में भेल चोरी चलि रहल अछि सीना जोरी।
अहां के इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह वीडियो कैमरा सा शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाक नामक संग अहाक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। हमरा लोकनिक पता है समाद सौभाग्य मिथिला टीवी A6/1 मायापुरी Phase 1 नई दिल्ली। समादक आजुक समय समाप्त मंगई छी आज्ञा काल फेर से नने आयब समाद ता धैर अहां लोकन देखत रहू सौभाग्य मिथिला पहिल मैथिली चैनल। नमस्कार।